अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना अहमद लाट साहब की आवाज़ में बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा बयान। जुमात की मेहनत करना और एक शराबी को हिदायत, अल्लाह जिसे नसीब करे उसको मिल जाती है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाक अल्लाह। एक किस्सा सुनाऊं मैं तुमको, पानीपत का नाम सुना है? तुम बोलते नहीं हो, पता नहीं फरिश्ते हो फरिश्ते हो। अरे पानीपत का नाम सुना है? वहां एक आदमी था और बेचारे की जिंदगी बहुत बिगड़ी हुई, बस डाके डालना, घर लूटना और शराबें पी के मस्ती में। लेकिन याद रखना, कभी नाउमीद मत होना, कभी नाउमीद मत होना, अल्लाह बहुत करीब है। बंदे की कोई अदा पसंद आ जाए, इसलिए कहते रहमत हक बहाना मी जोयत, बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाना देखती है। कोई बहाना मिल जाता है अल्लाह पाक बंदे को नवाज देते हैं। वो बेचारा यानी उससे उसके पूरा गांव भी, यहां तक कि वहां जो पुलिस वगैरह थी वो भी बहुत परेशान थी, वो भी डर रही थी कि पता नहीं आज उसको लोग लीला लीला कहते थे, उसका नाम लीला। अल्लाह का करना एक जमात, तो जमात का जो मकामी साथी रहबर बनता है, मकामी साथी, उस जमात को ले गए उसके घर, दरवाजे पर खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम, आपके भाई आपसे मिलने आए हैं। वो तो रात भर का पिया हुआ था, वो अलैकुम सलाम बोलता है तो बोल बिखर रहे, वो सलाम, इसने जवाब दिया, मेरे भाई। उठ करके अपनी जगह से आया, जमात वालों ने मुस्तफा किया और कहा हम आपके भाई हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी मुसलमान हो? बेचारा चूंकि नशे में था, आधा कलमा जबान पर आधा अंदर। जमात वालों ने कहा कि हम आपके भाई हैं, आपसे मिलने आए हैं, यहां मस्जिद में ठहरे हैं और हमारा जी चाहता है आज तो आप भी हमसे हमारे पास मस्जिद में आ जाएं। यूं कहते हैं जो दिल से उठती है वो दिल को लगती है, जो जो बात हर चीज दिल में फैसल बदल में रहसत, जो दिल से उठती है वो दिल को लगती है। इन जमात वालों की बात ऐसी लगी कि उसने यूं कहा अभी आता हूं, नशे में था। थोड़ी देर के बाद नहाया, गुसल किया, कपड़े बदले और मस्जिद में आ गया। जमात वालों ने पहले से भी लोगों को, वो सारा मजमा था मस्जिद में, अब वहां हो रही थी तालीम, ये फजाइल नमाज की, कि जो आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उस वक्त में यानी बिल्कुल आखिरी वक्त में नमाज खुद पढ़ी और नमाज की तबलीग की। जो आदमी नमाज छोड़ दे इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं, ये कहा उसके बाद इंतकाल। यह मस्जिद में फजाइल नमाज पढ़ी जा रही थी। यूं कहते हैं ये जो सीने में खुटखुट खुटखुट दिल करता है ना, खुटखुट है, ये पत्थर नहीं है, ये ईंट नहीं है, और मुसलमान का दिल जब अल्लाह की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आती है और ध्यान से शुद्ध उसके दिल को पसीज देती है, नरम कर देती है। उस तालीम के हल्के में वो बैठ गया लीला, नमाज को जानबूझकर छोड़ना, नमाज को कजा करना, नमाज में सुस्ती करना, अकेले पढ़ लेना, जमात छोड़ देना, उसकी जो सारी रिवायत आ रही थी, तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, टप टप। मैं भी अपने को मुसलमान कहता हूं, मैं तो जानता ही नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ता और क्या जमात और क्या। उसके बाद जमात वालों जब तालीम खत्म हुई, जैसे अभी हमारा जब बयान खत्म होगा तो तश्कील होगी ना, जमात वालों ने तालीम के बाद के भाई हम तो बंदे अल्लाह के हैं जो रब्बुल आलमीन है, और हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जो रहमतुल्लिल आलमीन है। हुजूर ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बताई है, हम नमाजें छोड़ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, मामूली मामूली चीज। इसको सीखने के लिए, इसकी अजमत दिल में पैदा करने के लिए और सही नमाज पढ़नी आ जाए उसके लिए चिल्ले में जाना है। सिर्फ साथी ने इतना कहा और वो लीला बोला, ए भाई सबसे पहले चिल्ले में मैं जाऊंगा।
सारा मजमा हैरान, जो आदमी शराब में इतना चकना चूर रहता हो, जिससे हर एक डर रहा हो कि आज किसका घर लुटेगा और आज किसके यहां डाका डालेगा, ये चिल्ले में जाए। ये खबर ऐसी फैली कि उस गांव में जो बनिए थे ना, उस गांव में उन बनियों तक बात पर, वो भी बेचारे डरे हुए थे कि पता नहीं आज किसका घर लुटेगा, और कोई कुछ कह नहीं सकता। जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा, अगर लीला चिल्ले में जाता है तो जितना भी खर्च होगा वो हम देंगे। लीला को पता चल गया कि गांव के बनिए, अल्लाह मेरा, अल्लाह मेरा, नबी मेरे, कुरान मेरा, दीन मेरा, माल मेरा लगेगा अल्लाह के दीन पर, माल मेरा लगेगा नमाज सीखने पर, माल मेरा लगेगा चिल्ले में जाने पर। चिल्ले में निकल गया। हमारे सामने की बात है, कई साल पहले चिल्ला लगा के जब आया हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो कहने लगा, हजरत जी मेरा तो सबने, मेरा हाल तो लोगों ने सुनाया होगा आपको, आपकी दुआ की बरकत से और वो जमात जो आई थी और उसकी कोशिश और उसने जिस प्यार के साथ मुझे समझाया था, अल्लाह ने मुझे तौबा भी नसीब फरमाई, मैं नमाजी हो गया। लेकिन अब मैं वापस गांव जा रहा हूं, तो वहां जाके अब मैं क्या करूं? हजरत जी रहमतुल्लाह ने फरमाया, एक काम करना है, तू जिस गांव में है, ओ मजमे वालों सब सुनो अच्छी तरह कान खोल के, तेरे गांव में कोई बालिग मर्द और औरत बेनमाजी न रहे, इसकी तुझे कोशिश करनी है। फिर हजरत जी ने फरमाया, तू तो दादा आदमी है, तुझे तो देख के पुलिस वाले भी डरते हैं और वो गांव वाले भी डरते हैं, लेकिन हमारा काम पैर पकड़ने का, खुशामद का, हिकमत का, मोहब्बत का है। किसी को मारियो मत, किसी को धमकाइयो मत, किसी के साथ कोई जुर्म जाति में, प्यार से। हजरत जी बस आप दुआ कर दे, मैं इंशाल्लाह, आपने कहा मैं जरूर करूंगा। वो गांव आया, हजरत जी से नसीहत लेकर आया था, उसने शुरू किया। हम वही थे निजामुद्दीन में, थोड़े दिनों में उसका खत आया हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हजरत जी आपकी दुआ की बरकत और मैंने जैसे टूटी फूटी अपनी मेहनत की, लोगों ने कुछ किया भी कराया भी, लेकिन मैं किसी से नाराज नहीं हुआ, उनके पैर ही पकड़ता रहा, अल्लाह का शुक्र है। अब पूरे गांव में सिर्फ दो आदमी भी नमाज है, आप दुआ कर रहे उनको भी। थोड़े दिनों के बाद के वो दोनों भी नमाजी हो गए, पूरा गांव 100%। हजरत जी अब मैं क्या करूं? इसलिए के असल बात जो कारगुजारी हो रही थी, तो जो मर्दों का हाल ये हो रहा था, तो बिचारी मां बहनों को तो कौन कहता होगा और घरों में क्या होता होगा, बहुत अफसोस की बात सामने आई थी। तो उसने ये पूछा कि अब मैं क्या करूं, सब तो नमाजी हो गए। आपने फरमाया, एक आदमी, माशाल्लाह ये मजमा कैसा है, कितने अच्छे, कितने, क्या शौक है आपके दिलों में दीन का, क्या आजमत है आपके दिलों में इस दावत की, मेहनत की, क्या मोहब्बत है आपको खुदा रसूल से जो आपको यहां लाया। जब एक ऐसा आदमी और वो उसको तबीयत पर ले लेता है, अल्लाह उसकी बरकत से पूरे गांव को 100% मर्द औरतों को नमाजी भी और जिक्र करने वाला भी बता। आप में से एक एक साथी इसकी नियत करो इस वक्त में पूरे मजमे में कि इंशाअल्लाह करने वाली जात तो अल्लाह की है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, जिस तरह हमने मौलाना अहमद लाट साहब की आवाज़ में ये बयान सुना कि करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह एक वाहिद ही बादशाह है जो सब जहानों का मालिक है और सबको देखने वाला है, कि किसको किस तरह हिदायत मिल जाती है ये बस लिखा होता है। हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए, मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। बाकी बयानात तो होते हैं और चलते जाएंगे और हम लोग देखते जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगी, मगर हमें अपने अमाल भी ठीक करने चाहिए कि दूसरों के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए, इसका भी पूछा जाएगा। तो हमारे प्यारे भाइयों, इस पर अमल करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।